दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खूबसूरत फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। खूबसूरत सन 1999 में आई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर, परेश रावल, ओम पुरी, फरीदा जलाल, अंजान श्रीवास्तव, अशोक सराफ, हिमानी शिवपुरी, जतिन कनिकिया, सुप्रिया पिलगांवकर, जॉनी लीवर और दिनेश हिंगो नजर आए थे। इस फिल्म को संजय छेल ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को राहुल सुगंध ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 185 स्क्रीन के साथ 26 नवंबर सन 1999 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 6 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 8 करोड़ 56 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 45 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 15 करोड़ 12 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1999 की 25वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के म्यूजिक जतिन ललित ने दिए थे। उसके लिरिक्स गुलजार, संजय छेल और सुखविंदर सिंह ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 10 गाने थे। इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे, पर फिल्म का एक गाना मेरा एक सपना है, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर की साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में दौड़ फिल्म में काम किया था, जो सन 1997 में रिलीज हुई थी। नंबर 2, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही 26 जुलाई सन 1999 को जतिन कनिकिया की मौत हो गई थी। नंबर 3, इस फिल्म में संजय दत्त का असली नाम संजय रखा गया था। नंबर 4, संजय छेल ने इस फिल्म में संजय दत्त को अपनी दोस्ती के कारण साइन किया था। दोनों की दोस्ती साहिबान फिल्म के सेट्स पर हुई थी। नंबर 5, ये फिल्म अशोक शरफ और सुप्रिया पिलगांवकर की साथ में एकमात्र हिंदी फिल्म थी, जबकि दोनों साथ में कई मराठी फिल्मों में नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।